कंप्यूटर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को आप जितना भी बार बार रिपीट करते जाओगे, जितना भी आप इनको लर्न करोगे, उतना ही आपकी लर्न करने की कैपेसिटी जो होती है वह इम्प्रूव होती जाती है, और इससे आपको कंप्यूटर की नॉलेज को कंप्यूटर की नॉलेज में आपको इंक्रीमेंट होता है, आपको इसका बेनिफिट होता है। इसलिए जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस को आप जितना अधिक रीड करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इसलिए मैं आप सभी के लिए एमसीक्यूज रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, आज की हमारी वीडियो रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आंसर पर। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे 121 से। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन टर्म ऑफ प्रोसेसिंग पावर देयर इज ए क्लास ऑफ कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स नोन एज। इन टर्म ऑफ प्रोसेसिंग पावर देयर इज ए क्लास ऑफ कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स नोन एज। जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, सॉरी फॉर दैट, इसे हम किस नाम से जानते हैं? सुपर कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। चलिए हम अब इस क्वेश्चन को डीपली रीड करते हैं। सुपर कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड हमारा लास्ट है पर्सनल कंप्यूटर। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। ओके, ये रहा हमारा पर्सनल कंप्यूटर, ए स्मॉल कंप्यूटर डिजाइन फॉर यूज बाय ए सिंगल यूजर एट ए टाइम। मतलब कि एक सिंगल यूजर को एक समय में यूज करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को बनाया गया है। ए पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर यूजेस ए सिंगल चिप फॉर इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के लिए एक सिंगल चिप बनाई गई है माइक्रो कंप्यूटर में। माइक्रो कंप्यूटर इज नॉन प्राइमरली यूज टू मीन ए पीसी, बट इट कैन रेफर टू एनी काइंड ऑफ स्मॉल कंप्यूटर सच एज ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन्स एंड वियरेबल। जो हमारे लैपटॉप होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, हमारे स्मार्टफोन्स जो भी हैं, ये सभी हमारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम पढ़ते हैं वर्क स्टेशन के बारे में। वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन आर अवेलेबल इन थ्री डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स। थ्री डिफरेंट फॉर्म में हमारा वर्क स्टेशन अवेलेबल होते हैं, एज ए मोबाइल लैपटॉप, डेस्कटॉप टावर और ए रैक माउंट सिस्टम। ओके, वर्क स्टेशन ए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम दैट इज बेसिकली डिजाइन फॉर ए सिंगल यूजर एंड हैज एडवांस्ड ग्राफिक्स कैपेसिटीज, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज एंड ए पावरफुल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, मीन्स ए सिंगल यूजर के लिए वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं। इज वर्क स्टेशन ए माइक्रो कंप्यूटर? कॉमन माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूड लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। By standard PCs, microcomputer also includes some calculator, mobile phones, notebooks, workstation and embedded systems. तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। In term of processing power, there is a class of computers and microcomputers known as microcomputer भी जिसे कहते हैं, और ये क्लास ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्लास में, मतलब कि उन कंप्यूटर्स के क्लास के अंदर आता है। जैसे डिवाइड किया जाता है ना कि माइक्रो कंप्यूटर के अंदर क्या क्या आता है, इसलिए क्लास के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, वर्क स्टेशन इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या पूछा गया है? ए मेजर नेटवर्क कनेक्शन दैट कैरीज द प्राइमरी नेटवर्क ट्रैफिक। तो इसमें क्या पूछा गया है? एक प्राइमरी नेटवर्क ट्रैफिक जो कि एक मेजर नेटवर्क कनेक्शन के लिए कैरी करता है।
ऑप्शन ए बैकबोन, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी राइट हैंड या फिर ऑप्शन डी नर्व। तो अभी हम क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। मेजर नेटवर्क कनेक्शन क्या पूछा गया है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या दिया गया है, बैकबोन। अब आपको बैकबोन के बारे में भी पता होना चाहिए, बैकबोन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बैकबोन के बारे में समझते हैं। What is backbone network? Backbone network क्या होता है? A backbone network is integral infrastructure that is designed to distribute different networks and data across various interlinked networks in a large network environment, such as within a corporation, across multiple complex और अक्रॉस जियोग्राफिकल रीजंस। जैसे कि एक कॉरपोरेशन है, मल्टीपल कैंपस है और अक्रॉस जियोग्राफिकल रीजंस है, मींस और भौगोलिक जो हमारे क्षेत्र होते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। जो हमारा बैकबोन होता है, यह हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर का एक पार्ट है। दैट प्रोवाइड्स ए पाथ फॉर द exchange of information between different lanes or subnetworks. A backbone can tie together diverse network within the same building. Same building में जो network use किया जाता है, across different buildings में और over a wide area में. Okay? तो चलो अब अपने question पर चलते हैं। A massive network connection that carries the primary network traffic. तो इसका right answer हमारा क्या होगा? Option A, backbone is the right answer. चलते हैं next question पर। क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया है, ए टाइपिकल पर्सनल कंप्यूटर यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस वुड हैव डैश ऑफ रैम। जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, जो कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, उनकी रैम जो है वह हमारी 256K होनी चाहिए। ओके, कितनी होती है? बिजनेस पर्पस के लिए जो पर्सनल कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, उनकी रैम 256K होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 124। थ्रो ए कंप्यूटर कैन रिप्लेस पीपल इन डल एंड रूटीन टास्क येट इट लैक्स। थ्रो ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर कैन रिप्लेस पीपल इन डल एंड रूटीन टास्क। एक कंप्यूटर के थ्रू लोगों को डल एंड रूटीन टास्क में रिप्लेस कर सकता है, बट इसमें एक कमी होती है। कौन सी कमी होती है? इनिशिएटिव, ओरिजिनलिटी, स्पीड, एक्यूरेसी। स्पीड तो इसके कमी नहीं है, यह इसके क्वालिटी है। एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेट हमारा डाटा, जैसे हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में ऐड करते हैं, कुछ भी हमें आउटपुट चाहिए होता है, यह इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही होती है। तो ये भी हमारा एक इसका एक एग्जाम्पल है, ये भी हमारी एक क्वालिटी है। और इनिशिएटिव, ये भी हमारी एक क्वालिटी है। बट बी ऑप्शन जो हमारा है, ओरिजिनलिटी, ये हमारा एक लैक, मतलब कि एक कंप्यूटर की कमी कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, ओरिजिनलिटी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 125। व्हाट इज द साइज ऑफ डिस्केट्स यूज्ड बाय आईबीएम्स न्यूअर PS/2 पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे हैं, IBM न्यूअर PS/2 के पर्सनल कंप्यूटर जो हैं, इनका डिस्केट साइज क्या होता है? तो डिस्केट साइज जो होता है, डिस्केट का साइज जो होता है, वह हमारा होता है 3.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 126। द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरली इन, जो डिजिटल कंप्यूटर है वे किसके द्वारा डेवलप किए गए थे? ये देखिए, ए डिजिटल कंप्यूटर एक्सेप्ट प्रोसेसेस एंड आउटपुट डाटा इन डिजिटाइज्ड फॉर्म्स। द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मींस USA। तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, USA इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 127, व्हाट इज द एक्रोनिम्स फॉर सिंगल इन लाइन मॉडल? सिंगल इन लाइन मेमोरी, व्हाट इज द एक्रोनिम फॉर सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉडल? सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉडल के लिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा? ये देखिए, मीन्स सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, SIMM इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। इट डिवाइस विच यूजेस मैग्नेटिक टैप कार्ट्रेज टू रीड और रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एट 340,000 अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स पर सेकेंड इज? एक डिवाइस जो कि अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स को रीड एंड रिकॉर्ड करने के लिए मैग्नेटिक टैप कार्ट्रेज का यूज करते हैं, वह कौन सी डिवाइस है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक टैप, ऑप्शन बी हाइपर टैप ड्राइव, ऑप्शन सी कार्ड पंच, या फिर ऑप्शन डी मैग्नेटिक डिस्क। तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, हाइपर टैप ड्राइव इज द राइट आंसर। तो चलिए अब गूगल की हेल्प से क्वेश्चन को समझते हैं। ये देखिए, गूगल पर ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हमारा दिया गया है हाइपर टैप ड्राइव। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। हम गूगल की हेल्प इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा डाउट जो है क्लियर हो जाए और हमें ये ना लगे कि क्वेश्चन का आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 129 का क्वेश्चन हमारा रहेगा, इन कंप्यूटर जैगरोन वेटवेयर मीन्स, वेटवेयर का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर जैगरोन में वेटवेयर का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी एनी ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी AI means artificial intelligence, या फिर ऑप्शन डी हाई इंटेलिजेंस। तो चलिए गूगल पर चलते हैं, वेटवेयर का मतलब क्या होता है जानते हैं। ये देखिए, कंप्यूटर जैगरोन वेटवेयर मीन्स, राइट आंसर हमारा क्या दे रखा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ये हम पढ़ते हैं। वेटवेयर क्या होता है? वेटवेयर इज ए स्लैग, सॉरी फॉर दैट, वेटवेयर इज स्लैंग यूज्ड डिस्क्राइब द ह्यूमन अलाइनमेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वेटवेयर कैन बी कंट्रास्टेड विद सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, टू अदर कॉम्पोनेंट्स दैट अफेक्ट्स द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन IT सिस्टम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा गया है, द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉम्पोनेंट्स इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज? इट्स हार्डवेयर, प्रेफर सॉफ्टवेयर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एक कंप्यूटर सिस्टम में मोस्ट एक्सपेंसिव कॉम्पोनेंट्स क्या है? चलिए इसको डीपली हम समझते हैं। The CPU, also known as the processor, is the brain of the computer. It performs most of the calculation and execution instruction of a computer program. Why are initial computer components so expensive? तो computer components जो हमारे ये बहुत है ज़्यादा expensive होते हैं। तो इस question का right answer हमारा क्या होगा? CPU। तो question number 130 का right answer हमारा होगा option D, none of the above is the right answer. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 131। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेड
लिस्निंग ऑफ प्रोग्राम ऑप्शन दैट यूजर कैन सिलेक्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेड लिस्निंग ऑफ प्रोग्राम ऑप्शन। वह कौन सा प्रोग्राम ऑप्शन है जिसे हम चुन सकते हैं दैट यूजर कैन सिलेक्ट, यूजर सिलेक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें, ऑप्शन ए मेन्यू, ऑप्शन बी ब्लॉक, ऑप्शन सी डाटा आइटम, या फिर ऑप्शन डी फाइल। ये देखिए, इट डिस्प्ले लिसनिंग ऑफ प्रोग्राम ऑप्शन विच यूजर कैन सिलेक्ट इज कॉल्ड मेन्यू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए मेन्यू इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 132। साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड हैव डिवाइस्ड टू वीडियो कैमराज ऑन ए चिप विच कंसिस्ट ऑफ लेंसेज स्मॉलर देन मैच हैड ऑन एन 8mm चिप। कैन यू नेम द टू साइंटिस्ट हु हैव डेवलप्ड दिस चिप। उन जो भी दो साइंटिस्ट है जिन्होंने चिप को डेवलप किया था उनके नाम हमको बताने हैं। तो ऑप्शन ए क्या हमारा, ऑप्शन ए हमारा है पीटर टल, ऑप्शन बी पीटर डेनियर, ऑप्शन सी डेविड रेंशो, या फिर ऑप्शन डी बॉच। ऑप्शन ए एंड सी पीटर टल एंड सी डेविड रेंशो दोनों ऑप्शन हमारे राइट होंगे। अगर आपको इसके बारे में कहीं आंसर मिल रहा है तो आप भी सर्च करके देख सकते हो। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 133। द वर्ड लेंथ ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर में वर्ड की लेंथ को मेजर किया जाता है किसके द्वारा। इसका राइट आंसर हमारा होगा बिट्स। चलिए एक बार इसके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। जल्दी से मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक खुद से देख लेना। ये देखिए, द वर्ड लेंथ ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन बिट्स। बिट्स में मेजर किया जाता है। मोस्ट ऑफ यू वुड हैव हर्ड्स ऑफ 32 बिट्स ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो द वर्ड लेंथ ऑफ ए कंप्यूटर इज द साइज ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड बाय इट्स प्रोसेसर एट ए टाइम। तो हमारा डाउट्स क्लियर हो गया है, राइट आंसर हमारा होगा बिट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 134। वट आर द थ्री डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द ALU ऑफ ए कंप्यूटर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसको सर्च करने की हमें जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए ग्रेटर देन, ऑप्शन बी लेस देन, ऑप्शन सी इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये तीन ऑप्शन हमारे बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 135। डाटा इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ जीरोज एंड वंस दैट आर ग्रुप्ड इन यूनिक सीक्वेंस। ऑप्शन ए न्यूमेरिक डाटा, ऑप्शन बी फ्रेंच डाटा, ऑप्शन सी बाइनरी डाटा, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी बाइनरी डाटा इज द राइट आंसर। क्योंकि बाइनरी जो डाटा होता है वह जीरो एंड वन की फॉर्म में होता है, और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 136। ISDN की फुल फॉर्म क्या होती है। ISDN स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कनेक्शन।
एक बार अपना डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। ISTN फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, राइट? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या पूछा गया है? द थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ दीज सेंचुरी आर द न्यूक्लियर बम, द हाई यील्ड हाइब्रिड स्पीड एंड द कंप्यूटर। कैन यू नेम द पर्सन हु मेड दिस स्टेटमेंट? उस पर्सन का नाम हमें बताना है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ऑप्शन ए हैरी एफ जॉर्डन, ऑप्शन बी बुक मिनिस्टर फुलर, ऑप्शन सी जैक स्मिथ, या फिर ऑप्शन डी जेन टीमर। ये देखिए तो करेक्ट आंसर हमारा क्या दिया गया है? बी बुक मिनिस्टर फुलर। दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय ए सिस्टम फिलोसफियन आर बुक मिनिस्टर फुलर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलो यहां पर भी देख लेते हैं। ये देखिए राइट आंसर हमारा क्या दे रखा है? ऑप्शन बी बुक मिनिस्टर फुलर इज द राइट आंसर। बुक मिनिस्टर फुलर, द थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ द सेंचुरी आर द न्यूक्लियर बम, द हाई यील्ड हाइब्रिड स्पीड एंड द कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी बुक मिनिस्टर फुलर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 138। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और कंपनी दैट एनेबल्स यूजर एक्सेस टू द इंटरनेट, वह ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी कौन सी है जो कि एनेबल करती है इंटरनेट को एक्सेस करने में? ऑप्शन ए ISP, ऑप्शन बी IRP, ऑप्शन सी ISDN, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। पहले अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए करेक्ट आंसर हमारा होगा ISP। तो क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ISP इज द राइट आंसर। ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 139। टूल दैट सेंड्स ए स्मॉल पीस ऑफ डाटा टू ए डिफरेंट कंप्यूटर्स, वह टूल कौन सा है जिसमें स्मॉल पीसेस ऑफ डाटा
जो भी हमारा छोटा डाटा होता है उनको हम डिफरेंट कंप्यूटर्स में सेंड करते हैं. ऑप्शन ए राउटर, ऑप्शन बी वेब पेज, ऑप्शन सी पिंग पिंग, या फिर ऑप्शन डी ईमेल. ऑप्शन ए राउटर. राउटर जो होता है वह पैकेट्स में डाटा को सेंड करता है, तो राउटर तो हमारा होगा नहीं. ऑप्शन बी वेब पेज. वेब पेज तो जो वेब पेज क्या होता है, जो हम HTML लैंग्वेज या फिर अदर लैंग्वेज का यूज करके वेब पेज क्रिएट करते हैं, उसे HTML कोडिंग का जो आउटपुट हम ब्राउजर पर चेक करते हैं उसे हम वेब पेज बोलते हैं. और ऑप्शन डी आपको पता है ईमेल होता है, बट ऑप्शन सी जो होता है पिंग. पिंग एक टूल है जो क्या करता है, सेंड ए स्मॉल पीस ऑफ डाटा टू ए डिफरेंट कंप्यूटर्स. पिंग मीन्स द टाइम इट टेक फॉर ए स्मॉल डाटा सेंड सेट टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम योर डिवाइस टू ए सर्वर ऑन द इंटरनेट एंड बैक टू योर डिवाइस अगेन. पिंग टाइम इज मेजर्ड इन मिलीसेकंड्स. Tool that sends a small piece of data to a different computers. तो ऑप्शन ए और सी पर मुझे डाउट है, आप देख लेना. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा वैसे, बट फिर भी आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, ऑप्शन सी ही इसका राइट मिलेगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 140. In 1990, the U.S. Department of Commerce permitted export of computers with approximate data rate PDR of 275 of India's higher PDR rating means more powerful and versatile computing powers. Which PDR is called the China? तो क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी. 550 इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 141. इफ यू चेंज ए डॉक्यूमेंट एंड देन ट्राई टू क्लोज द वर्ड एप्लीकेशंस, द वर्ड विल. अगर तुम चेंज करते हो डॉक्यूमेंट्स में एंड देन ट्राई टू क्लोज द वर्ड एप्लीकेशंस, द वर्ड विल. वर्ड क्या होता है, इग्नोर एनी चांस टू द डॉक्यूमेंट, ऑटोमेटिकली सेव द चेंजेस विदाउट ए मैसेज प्रॉम्प्ट. ऑप्शन सी डिस्प्ले ए मैसेज प्रॉम्प्टिंग यू टू सेव चेंजेस, क्लोज विदाउट सेविंग एनी चेंजेस टू द डॉक्यूमेंट. अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंज करते हैं, जैसे मैंने ये चेंज किया विल है, विल को मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया. अब हम क्लोज कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो क्या लिखा रहा है, वेंट टू सेव योर चेंज टू फाइल का नाम देके. अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज करो सेव. तो आप क्या करना चाहते हो, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप सेव करना चाहते हो डोंट सेव या फिर कैंसिल. मैंने कैंसिल किया. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, डिस्प्ले ए मैसेज प्रॉम्प्टिंग यू टू सेव चेंज. आपके सामने डिस्प्ले पर एक प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में एक मैसेज आपके सामने दिखाई देगा. ओके, और क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, डिस्प्ले ए मैसेज प्रॉम्प्टिंग यू टू सेव चेंज. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 142. व्हाइल यूजिंग द मेल मर्ज हेल्पर्स यू क्लिक ऑन द एक्टिव विंडो बटन,
the selection creators. जब आप मेल मर्ज का यूज करते हो यू क्लिक ऑन द एक्टिव विंडो बटन द सिलेक्शन क्रिएटर्स ऑप्शन ए ए मास्टर डॉक्यूमेंट इन द रिसेंटली एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो ऑप्शन बी ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट विंडो ऑप्शन सी योर डॉक्यूमेंट गेट एक्टिव एंड ऑटोमेटिक अटैच्ड टू ए डाटा सोर्स या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा गया है कि जब आप मेल मर्ज की हेल्प से एक्टिव विंडो बटन पर क्लिक करते हैं तो आप सिलेक्शन करते हैं किसका. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ए मास्टर डॉक्यूमेंट इन द रिसेंटली एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो. एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो को ओपन करने के लिए हम मास्टर डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 143 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसेंटली ए टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस. इन चारों ऑप्शन में से रिसेंटली कंप्यूटर साइंस का टॉपिक नहीं है. ऑप्शन ए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ऑप्शन बी एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्शन सी थर्मोडायनामिक या फिर ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग. तो क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी थर्मोडायनामिक जो है यह हमारा रिसेंटली कंप्यूटर साइंस का टॉपिक नहीं है. ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ए न्यू टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड एंड हैज पीपल इंटरेक्ट विद इट इज कॉल्ड. व्हेन एक न्यू टेक्नोलॉजी विच कौन सी जो प्रोवाइड करती है ability to create an artificial world को create करने की ability रखती है and has people interact with. option A virtual reality. इसमें option मैंने answer ही दे रखा है. एक बार इसको हम देख लेते हैं ताकि हमारा कोई डाउट्स ना. ये देखिए इन न्यू टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड द एबिलिटी टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड्स एंड हैव पीपल इंटरेक्ट विद इट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी. ओके हमारा डाउट क्लियर हो गया है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 145 व्हाट इज द नेम गिवन टू द मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर. ऑप्शन में आंसर दे रखा है मैंने नैनो कंप्यूटर. चलो एक बार देख लेते हैं. ये देखिए नैनो कंप्यूटर. A nano computer is a computer whose physical dimensions are microscopic. The field of nano computing is a part of the emerging field of nanotechnology. ये देखिए राइट आंसर हमारा दे रखा है और फुल डिटेल भी दे रखी है. ये देखो ये देखिए हम इसको डीपली रीड करते हैं. नैनो कंप्यूटर इज द नेम गिवन टू द मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर. नैनो कंप्यूटर को डिस्क्राइब किया गया है. ये देखिए describes computing that uses extremely small or nanoscale devices. okay to question number 145 ka right answer hamara kya hoga option a nano computer is the right answer. ab chalte hain next question par. question number 146 human beings are referred to as homo sapiens which device is called silicon. ऑप्शन ए मॉनिटर ऑप्शन बी हार्डवेयर ऑप्शन सी रोबोट या फिर ऑप्शन डी कंप्यूटर. एक बार पहले अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं. ये देखिए
Human beings are referred to as Homo sapiens. Computer is called Silicon sapiens. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी कंप्यूटर इज द राइट आंसर. कंप्यूटर जो हमारी डिवाइस है इसे हम सिलिकॉन सेपियंस के नाम से भी बुलाते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 147 अनदर नेम एक्सेल यूजेस अनदर नेम फॉर डेटाबेस. इट इज कॉल्ड डेटाबेस के लिए एक्सेल को यूज करते हैं अनदर नाम के लिए. विच नेम कौन सा नेम है? ऑप्शन ए लिस्ट, ऑप्शन बी लिस्टिंग, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी स्क्वेंसर. ये देखिए लिस्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चंस. द लिस्ट इज द यूज्ड फॉर द एक्सेल डेटाबेस बिकॉज द डाटा इज एक्सेल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए लिस्ट इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 148 बड़ा इजी क्वेश्चन है. ऑटो रिपोर्ट्स जनरेट्स. रिपोर्ट जो होती है वो ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स जो होती है वह ऑटोमेटिकली किस फॉर्म में जनरेट होती है, किस फॉर्म में जनरेट्स होती है? तो क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर हमारा होगा टेबुलर इज द राइट आंसर. टेबुलर फॉर्म में रिपोर्ट्स ऑटो जनरेट टेबुलर फॉर्म में रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट होती है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 149 इन मैच ड्रॉप डाउन लिस्ट विच ऑप्शन इज डिफॉल्ट. ऑप्शन ए पार्ट ऑफ फील्ड, ऑप्शन बी होल फील्ड, ऑप्शन सी स्टार्ट ऑफ फील्ड या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी होल फील्ड इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा. तो वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को मैंने डीपली आपको समझाया है ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक ना रहे. तो आज के लास्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 150 नो कंप्यूटर कैन डू एनीथिंग विदाउट ए. ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी चिप या फिर ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइसेस. तो जो कंप्यूटर जो होता है यह है बिना प्रोग्राम के वर्क नहीं कर सकता. नो कंप्यूटर कैन डू एनीथिंग विदाउट ए प्रोग्राम. तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा. तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और ऐसे ही हम क्वेश्चंस को डीपली रीड करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को हम समझेंगे. और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ लाइव डिस्कशन करूं क्वेश्चंस को तो आप कमेंट में हमें जरूर बताना ताकि हम लाइव क्लास को भी स्टार्ट कर पाए. तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Have a nice day. Bye-bye.